दोस्तों मैं विकास कोहली आज आपके लिए लेके आया हूँ YouTube पर क्रिकेट के रिगार्डिंग वीडियो। दोस्तों जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे जाके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लें ताकि सारी की सारी स्पोर्टिंग इवेंट्स के रिगार्डिंग आपको सारी अपडेट्स मिल सकें जल्द से जल्द। दोस्तों इस बार रोमांचक वीडियो लेके आया हूँ, T20 वर्ल्ड कप। जो T20 वर्ल्ड कप है इस साल होने जा रहा है फाइनली। 2020 में कोविड के चक्कर के कारण से T20 वर्ल्ड कप स्थगित कर दिया गया था, तो प्लान था कि वो नेक्स्ट ईयर होगा। वैसे भी 2020-2021 में लगातार वर्ल्ड कप होना था, एक बार इंडिया में होना था और एक बार ऑस्ट्रेलिया में होना था, और इस बार होना था ऑस्ट्रेलिया में। बट पिछले साल इंडिया में होना था, पिछले साल इंडिया में हो नहीं पाया था, तो इस साल फिर इंडिया में होना था, अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होना था। और बट इस साल कोविड की सिचुएशन फिर से बाहर हो रही थोड़ी हाथ से, तो इसलिए ICC ने मिलकर ये फैसला लिया BCCI के साथ कि जो वर्ल्ड कप है T20 का वो होगा ओमन और UAE में, दुबई। जी हाँ, पहले भी IPL दुबई में हो चुका है, पिछली बार सक्सेसफुल हुआ IPL, इंडिया में कोशिश की IPL होने की बट नहीं हो पाया, तो इसलिए उन्होंने दुबई में रखा गया और ओमन में रखा गया। और आज ICC ने एक बड़ा लॉन्च किया है, ग्रुप डिटेल्स लॉन्च हो रही हैं। ग्रुप डिटेल्स में दो ग्रुप में बांटा गया है, सुपर 12 रखा गया है ग्रुप का नाम। सुपर 12 में होगा 6 टीम एक ग्रुप में, 6 टीम दो ग्रुप में। जो 6 टीम होंगी ग्रुप में, पहली 6 में से जो पहली 4 टीमें होंगी वो होंगी टॉप 8 टीम्स, और जो दूसरे ग्रुप में पहली 4 टीम्स होंगी वो भी टॉप 8 टीम्स होंगी, उनमें से 4 होगी। तो दोस्तों लास्ट 2 टीम्स हैं जो वो क्वालिफाई करके आएंगी। इस बार हैरानगी वाली बात है कि बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे अच्छी टीम्स वो क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं। इस बार वेस्ट इंडीज ने अच्छा दमखम दिखाया और वो भी टॉप 8 में है, और T20 की वो तो बादशाह ही है, लगातार 2 बार उन्होंने कप भी जीता है। एक बार बीच में मिस हुआ था, उन्होंने 2016 में जीता था, 2016 में तो बहुत बेहतरीन जीता था, 2012 में जीता था, 2014 में वो श्रीलंका ने जीता था, उसमें भी इंडिया फाइनल पहुंची थी। इंडिया T20 वर्ल्ड कप देखा जाए अच्छा अभी तक इन्होंने प्रदर्शन किया, बट कोहली को चाहिए होगा कप मिल जाए। तो दोस्तों ICC ने भी एक बड़ा मैच रखी दिया है, पाकिस्तान को इंडिया के ग्रुप में डाल दिया है। तो दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं, तो दोस्तों बढ़ते हैं ग्रुप ए पर। ग्रुप ए में बहुत दमदार खिलाड़ी हैं, टीम्स हैं, और टीम बहुत खतरनाक है, उसे डेथ ग्रुप भी माना जा रहा है क्योंकि टीम थोड़ी ज़्यादा अच्छी उसमें है। पहली टीम है इंग्लैंड, नंबर 1 टीम है, तो क्वालिटी टीम है। सेकेंड टीम है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हमेशा ही क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट हो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, तो ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम मानी जाती है। तीसरी टीम वेस्ट इंडीज कैरेबियन। जो वेस्ट इंडीज की टीम है वो बाकी किसी में टक्कर इतनी अच्छी नहीं दे पाती है, बट जब भी T20 आता है तो T20 में इससे ऊपर की टीम अभी तक मानी नहीं जाती, 2 बार खिताब भी जीत चुकी है T20 वर्ल्ड कप। और चौथी टीम भी इनकी खतरनाक है, साउथ अफ्रीका। तो देखा जाए 4 की 4 टीमें बहुत खतरनाक है, और जो उसमें पहला होगा विनर बनेगा, जो लास्ट के 2 होंगे विनर ऑफ ग्रुप ए एंड रनर अप ऑफ ग्रुप बी, वैसा बनेगा। 2 ग्रुप रखे हैं क्वालिफायर ग्रुप के, क्वालिफायर ग्रुप में जो ग्रुप ए में क्वालिफाई करेगा वो विनर होगा, और जो ग्रुप बी का रनर अप होगा वो दोनों ग्रुप ए में आ जाएंगे। और ग्रुप बी में सबसे 2 क्लैशिंग टीम जिनका मैच देखने का मजा ही आता है लोग बोलते हैं, वो है इंडिया और पाकिस्तान। और इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप रखा है ICCI ने। तो दोस्तों ग्रुप बी में है इंडिया, पाकिस्तान तीसरी भी बढ़िया टीम है, और चौथी जो टीम है उन्होंने हैरत अंगेज में डाल दिया, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने क्वालिफाई कर चुके हैं वो ग्रुप बी में, और वो सीधे एंट्री में गया, उनको क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। और पांचवीं टीम आएगी जो रनर अप होगा ग्रुप ए का, और 6वीं टीम होगी जो विजेता होगा ग्रुप बी का। और इस बार एक और खास बात है, देखा जाए ICC ने फिर से ऐसे रख दिया है न्यूजीलैंड का मुकाबला इंडिया के साथ। न्यूजीलैंड का मुकाबला इस बार फिर से सेम ग्रुप पे आ गया, और सेम ग्रुप पे ही इंडिया है, तो इंडिया न्यूजीलैंड की बढ़त हो सकती है। इंडिया चाहेगी कि इस बार तो हरा दे, लगातार 2019 में भी उन्होंने हराया, 2021 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फिनाले में भी उन्होंने हराया, दोनों बार जीता ना जा सकता था, पर न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और जिताया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इसमें ये जो क्वालिफायर्स है कौन कौन सी टीमें पहुंच पाएंगी? क्या नीदरलैंड, जो मुझे लग रहा है वो लग रहा है कि नीदरलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये आगे टीम जा सकती है।
आपको कौन सी चार टीमें लेती हैं या तीन टीम्स लेती हैं, आपको आगे क्वालिफायर को क्रॉस करके जा सकती हैं। और दोस्तों अपनी राय जरूर दे कि आगे क्वार्टर फाइनल तक कौन जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ढेर सारा प्यार दें। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप की सारी कवरेज दी जाएगी मेरे चैनल पर। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें सारी अपडेट्स लेने के लिए।